शेमारू से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आप सबों को प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह। मैं बहुत छोटा था तो मेरे घर पे मेरी मम्मी वगैरह कहती कि ये गुनगुनाता रहता था। तो स्पेशली मोहल्ले में जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं छोटे मोटे, या कोई फंक्शन होता है, तो मैं जा जा के देखता था। और रेडियो सुनने का शौक था, उन दिनों सिर्फ रेडियो ही था। और मुझे बचपन से ही ना म्यूज़िक की समझ बहुत थी। एक होता है कुदरती, क्योंकि देखिए आप किसी को ज़बरदस्ती डांट के फटकार के बहुत कुछ पढ़वा सकते हैं, डिग्रियां हासिल करवा सकते हैं, लेकिन म्यूज़िक का मामला ऐसा कि ये आपके अंदर एक जम्स है, वो नहीं होगा तो आप नहीं गा सकते। तो मेरा ऐसे ही था कि मुझे गाना चाहिए, और मैं गाता था और मुश्किल मुश्किल गाने गा लेता था बचपन में भी। पास पड़ोस के लोग, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार सब लोग कहने लगे, अरे इसकी आवाज़ तो बहुत अच्छी सुरीला है। तो ये सुनते सुनते मैं भी थोड़ा चार्ज होने लगा। इतने बहरहाल स्कूल में भी फंक्शंस होते रहते थे, उसमें भी हिस्सा लेता था, गाने गाता था, बहुत सराहना मिलती थी, लोग बड़ी तारीफें करते थे। मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, और वैसे भी वो जो दौर था पूरा रफ़ी साहब का ही दौर था, लगातार उनके गाने होते थे, और मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, वो गाने सारे पॉपुलर गाने। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता शौक़ हुआ, गुनगुनाने लगा। मैं वही रफ़ी साहब के गाने गाता था प्रोग्राम में। एक गाना था, फिल्म आई थी साज और आवाज़, उसका एक गाना था, फिर मेरे हुजूर का एक गाना था, गम उठाने के लिए मैं तुझे जाऊंगा, वो सारे गाने गाता था। गम उठाने के लिए मैं तुझे जाऊंगा, सांस की ले पे तेरा नाम लिए जाऊंगा। जिन दिनों मैं सीखना चाहता था, उन दिनों उनको देने के लिए मेरे पास फीस नहीं होते। फिर भी मैं एहसान मानता हूँ मिस्टर एडी माइकल थे, साउथ इंडियन क्रिश्चियन म्यूज़िक टीचर थे हमारे मोहल्ले में, उन्होंने मुझे कुछ दिन तक सिखाया। फिर काफ़ी बाद में फिर दिल्ली कराना घराने के एक खान साहब हैं, उस्ताद अमीर अहमद खान साहब, उनके पास कुछ दिन सीखा। तो मेरा एक्चुअल सही मानों में जो मैं, मेरे गुरु वो रफ़ी साहब ही हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं उनसे इंस्पायर हुआ, और आज भी मैं उनको सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखता हूँ। मन में इच्छा तो थी कि मेरा भी गाना है रेडियो में, टीवी में। मैंने एक घर में मेरी मम्मी को बोला कि मुझे एक डेढ़ साल दीजिए, मुझे एक डेढ़ साल के लिए बॉम्बे जाना है किस्मत आजमाने के लिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाओ तुम। उन्होंने इजाज़त दे दी तो मैं यहाँ आया।
तो मैं कोई दो साल स्ट्रगल किया, वो दो साल 50 साल के बराबर था, इतना भयानक। तो मतलब मैं आपको क्या बताऊं, आदमी कामयाब होने के बाद तो बहुत सारी कहानियां गढ़ लेता है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैंने सचमुच बहुत तकलीफें उठाई। बॉम्बे में किसी को जानता नहीं था, इतना बड़ा शहर, रास्ता पहचानने में 6 महीने लग जाए। यहाँ भी आके होटल में गाया। चूंकि मैं सिर्फ रफ़ी साहब के गाने गाता था तो होटल में चलता नहीं है सर। होटल में आप जो आपको हर किसी के गाने गाना चाहिए, तो हर जगह से मुझे 2-3 महीने में निकाल देते थे। तो बड़ी फाइनेंशियली बहुत तकलीफ थी। बहरहाल गुजर गया वो स्ट्रगल का दिन। अपने बॉम्बे नेशनल कॉलेज के सामने जो पार्क है, लिंकिंग रोड बांद्रा, वहाँ पे एक दुर्गा पूजा होता था। उस वक्त मैदान काफ़ी बड़ा था, तो जगह छोटी कर दी गई है। उस पर बहुत बड़ा दुर्गा पूजा होता था, तो मैंने बहुत कोशिश करके चक्कर चला के वहाँ पे प्रोग्राम लिया और मैंने गाना गाया। वहाँ पे मुझे मिल गए सपन जगमोहन जी, पुराने संगीतकार, आपको शायद याद होगा चेतना फिल्म में, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा जो सजा, ऐसे बहुत उनके हिट गाने हैं। उन्होंने सुन लिया, फिर मुकुल दत्त जी थे डायरेक्टर, उन्होंने सुन लिया, क्योंकि वहाँ पे पंचमदा वगैरह सब आते थे। फिर मैंने जो गाया तो उन्होंने कहा मेरे घर पे आके मिलो फला जगह, तो मैं गया। तो उन्होंने मुझे एक फिल्म जो डबल वर्सन बन रही थी, अंबर हिंदी में अंबर, बंगला में ज्योति, तो उस फिल्म में मैंने 2 गाने गाए, यानी 2 × 4। मैं अनु मलिक जी के पास शायद एक दो फिल्म थी, नए नए थे वो भी, तो मैं उनके यहाँ जाने लगा रेगुलर। तो वहाँ भी कुछ उनको बड़ी पिक्चर मिल गई, मनमोहन देसाई जी की मर्द। एक दिन सुबह सुबह एक लड़का आया मेरे पास, मैं यहाँ कालीना में रहता था पेइंग गेस्ट में, तो एक लड़का सुबह आया 7:30 बजे और आकर कहा कि भाई जल्दी चलो, अन्नू भाई ने बोला है तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई। तो मैंने कहा क्या लॉटरी क्या निकल गई, तुम आज अमिताभ बच्चन के लिए गाने वाले हो। मैंने कहा यार सुबह सुबह नींद से जगा के मजाक कर रहे मेरे साथ। कहते मजाक करने के लिए मैं खुद अपनी नींद खराब करूँगा क्या, चलो। तो मैं गया तो अन्नू जी ने मुझे गाना सुनाया, टाइटल सॉन्ग था मर टांगे वाला। बोला ये गाना तुमको आज गाना है, अच्छी तरह गा लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो किसी और को बुला के गवा देंगे। मैंने बड़ी मेहनत से रिहर्सल किया करके गाया, तो मनमोहन देसाई जी बहुत खुश हो गए। फिर उस पिक्चर में उन्होंने दूसरा गाना गवाया, फिर एक पिक्चर थी अल्लाह रखा, उसमें 2 गाने गवाए। फिर उसके बाद मतलब वो रेगुलर हो गया वहाँ पे। उन दिनों क्या एक बात थी कि लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। लाइव रिकॉर्डिंग क्या होता है, एक ही म्यूजिशियन, वही म्यूजिशियंस यहाँ बजा के कहीं और जाते थे। वो जो जाते थे जाकर कहते थे अरे नया लड़का है कलकत्ता से और कमाल गाता है ये, तो दूसरे म्यूजिक एक्टर के दिमाग में ये सेट हो जाता है, फिर बुलाते थे। इस तरह मुझे बप्पी दा ने बुला लिया और आशा जी के साथ फिल्म गिरफ्तार में गाना गवाया, तो निकल पड़ी। मैं बहुत लकी रहा हूँ, पता नहीं क्या था, ऊपर वाले का कर्म था या मेरी मेहनत या डेडिकेशन, कि मैं हर दौर में हर म्यूजिक डायरेक्टर का फेवरेट रहा। आप सोचिए नौशाद साहब जैसी हस्ती,
कि बंगले के अंदर घुसना भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ रफ़ी साहब और लता जी, तीसरा कोई नहीं। तो रफ़ी साहब तो रहे नहीं, लेकिन मेन सिंगर अब किससे गवाएं? तो किसी ने उनको मेरे लिए रिकमेंड किया, तो मैं गया डरते डरते, तो उन्होंने मुझे गाना गवाया, एक गाना गवाया। वो गाना उनको इतना अच्छा लगा कि उस फिल्म में सात गाने थे और सातों गाने उन्होंने मुझे गवा दिए। आवाज़ देख कहाँ है गुड्डू, तेरी पायल मेरे गीत, अकबर दी ग्रेट, तो ऐसे बहुत दस गाने गवाए, दस ग्यारह गाने। खयाम साहब, रवि साहब, शंकर जी, ओपिनियर साहब, उनके भी मैंने आठ गाने गाए, और लक्ष्मी जी का तो मैं फेवरेट रहा बरसों तक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि लक्ष्मीकांत जी अगर रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई है और माइक पे एक रिहर्सल चल रही, तो एक फाइनल रिहर्सल के बाद ना वो घर चले जाते थे। प्रोड्यूसर परेशान हो जाते, लक्ष्मी जी अभी रिकॉर्डिंग शुरू भी नहीं हुई आप जा रहे हैं, तो वो कहते अरे अपना शेर है ना गालेगा। उनको इतना भरोसा था मेरे पर। आप सोचिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने 377 गाने गाए ना रफ़ी साहब के एलपी के, और मैंने एलपी के 327 गाने गाए। उषा खन्ना जी ने भी मुझे कुछ 8-10 गाने गवाए, वो बहुत मुझे पसंद करती हैं। पंचमदा के साथ काम किया, कल्याण जी भाई के साथ किया, और सबके साथ किया, राजेश रोशन, बप्पीदा, अनु मलिक। बहुत कमाल आदमी थे और म्यूजिकली तो जीनियस थे ही, वो क्रिएटर थे बिल्कुल, अलग अलग पैटर्न था उनका, और उस ज़माने में भी मॉडर्न थे, आज भी वो मॉडर्न लगते हैं। उनका म्यूजिक आज भी बिल्कुल ऐसा लगता कि नया गाना भंग जमाए रंग दराता डालो उई मा धतूरा और बिनो धतूरे जैसे जीवन जोर बिना अधूरा अधूरा। बहुत क्रिएटिव थे, बहुत क्रिएटिव और बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत जॉली। आपको बताऊं कि उनका गाना जब आप सुनिए तो आपको लगे अरे तो बहुत मुश्किल गाना है, लेकिन हम जब गाने के लिए जाते थे तो स्टूडियो में ऐसा लाइट माहौल रहता था कि कहीं से नहीं लगता था कि हम इतने बड़े संगीतकार का गाना गाने के लिए आए, इतने लाइट मूड में। और अगर गाने में मैंने अपना कुछ डाला एफर्ट तो बहुत अप्रिशिएट करते थे, ये बहुत अच्छा है इसको थोड़ा और पॉलिश कर ले, ऐसे करके गवाते थे, बहुत अप्रिशिएट करते थे। मेरी वॉइस जो है ना वो बिल्कुल हीरो वॉइस है, कोई भी हीरो होगा ना और मुंह हिलाएगा ना तो लगेगा वही गा रहा है। चांद गगन से फूल चमन से रह नहीं सकता दूर, यही हरी यही दस्तूर, नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे। धक 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 डर से धक धक जियरा करे सावन बर से। आप देख लीजिए, मिला लीजिए, मिठुनदा हो चाहे गोविंदा हो, चाहे ऋषि कपूर हो, चाहे दिलीप साहब हो, मैंने 9 गाने गाए दिलीप साहब के लिए। किला धर्म अधिकारी और कानून अपना अपना, इज्जतदार और सौदागर और कर्मा, मैंने इतने गाने गाए उनके लिए, उनको भी शूट करती है मेरी आवाज़। और फिर आप देखिए
एक ही गाने को दोनों ने लिप सिंक किया है, शाहरुख खान और सलमान खान, करण अर्जुन, उनको भी शूट करता है, मिठुन दा को शूट करता है, गोविंदा को शूट करता है। हमारे यहाँ फीमेल सिंगर जितनी है ना हमारे दौर की, वो सब बहुत टैलेंटेड। लता जी, आशा जी को तो तुलना ही नहीं किसी के साथ, उनकी बात अलग है। वो तो हमारा सपना था कभी कि हम उनको देखें, बाद में मैंने बहुत गाने भी गा लिए उनके साथ। तो वो एक एक गिफ्ट मिला है, मैं समझ लो गॉड की तरफ से। एक एक गाना जो मैंने लता जी और आशा जी के साथ गाया, तो ऐसा लगता है कि मैंने कोई एक एक अवार्ड जीता है। और जो मेरे कलीग थे उसमें अनुराधा जी, साधना सरगम, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, सब बहुत टैलेंटेड और बहुत मज़ा आया। हम लोग बिल्कुल दोस्तों की तरह गाते थे, और लाइव रिकॉर्डिंग होती थी ना तो हम 4-5 घंटे साथ में रहते थे, तो बहुत अच्छा वक्त गुजरता। हमारे देश में जितनी भी भाषाएं हैं मैंने सब में गाया, और सब मिलाकर मैंने कुछ 19,000 गाने गाए जी, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। अच्छा म्यूजिक सुनिए, मुझे भी सुनिए, दूसरों को भी सुनिए। और इतना मैं जानता हूँ कि मैं जो पहले गाता था मैं अभी उससे अच्छा गाता हूँ, तो आप मुझे सुनते रहिए। अभी ये हमारा जो नया कंपाइलेशन रिलीज हुआ उसको आप सुनिए, देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। पिक्चराइजेशन भी देखिए, सारे बड़े बड़े कलाकार हैं, दिग्गज लोग, और ये दिग्गज आवाज़ भी सुनने को मिलेगी आपको। 70 mm वाली आवाज़ बोलते हैं ना, वो आवाज़ सुनेंगे आप। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, हमारे देश में खुशहाली रहे, अमन रहे, आप लोग खुश रहें, हम सब मिलजुल कर रहें, मोहब्बत से रहें, इससे अच्छा मुल्क नहीं है। मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, ज़्यादा के गाने गाया हूँ, लोगों से मिला हूँ, दिल यही है, दिल, बाकी जगह दिमाग है, यहाँ पर दिल है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इतनी जबानें, इतना कल्चर, अलग अलग खाना, अलग अलग रहन सहन, फिर भी हम सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, मोहब्बत से रहें, हिंदुस्तान को साफ सुथरा रखें, हर तरह से साफ रखें, पवित्र रखें। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़, जय हिंद।